कई लोग करे उंगली वो हटती नहीं, ज्यादा तू तू मैं वाली बातें जचती नहीं, मान जा अभी भी तेरे बस की नहीं। अरे सुन गोली बेटे ज्यादा मस्ती नहीं, ज्यादा मस्ती नहीं। नहीं मेरी हाइट है 5'4" और दुनिया बड़ी कमीनी है। हाँ ये तुम्हारी कमियों का मजाक उड़ाते हैं। मेरे खुद के हरामी दोस्त हैं जो मुझे ठीक दिवाली से एक दिन पहले फोन करते हैं और बोलते हैं, हेलो विनय, हैप्पी छोटी दिवाली। हैप्पी छोटी होली। बर्थडे पे फोन करे, हैप्पी बर्थडे छोटू। तुम्हें पता है मैम इस बर्थडे विश के बाद कितना मुश्किल है बर्थडे पार्टी देना, क्योंकि मेरे ही बर्थडे पे ज्यादा इज्जत है वेटर की कि भैया दो बीरा लाना, बिल छोटू देगा आज। एक सेल्फ अवेयरनेस जिंदगी में होनी जरूरी है जो मुझ में है, क्योंकि मैंने आज तक अपनी 31 साल की लाइफ में ना किसी को अपनी गर्दन यूं पकड़ते हुए नहीं देखी। जिसने पकड़ी है यूं पकड़ी है। कुत्ता कहां पे काटता है? मैं पैरों पे। मेरे लेफ्ट निपल पे काट गया। और वो कुत्ता पग था। मैं बता दूं, पग सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। तो मेरी ना इन जनरल थोड़ी थोड़ी फटनी शुरू हुई कि हाउ वुड आई सर्वाइव इन दिस बिच एस सोसाइटी। तो मैं जिम गया। मैं जिम जाते हैं, एब्स बनाते हैं, कोई मेरी गर्दन यूं करके पकड़ेगा, मैं एटलीस्ट ऐसे करके एब्स तो दिखाऊंगा। फेयर इनफ, फेयर इनफ। मैं जिम गया, मेरी हाइट इतनी छोटी है, मैंने एब्स की एक्सरसाइज शुरू की, मेरी चेस्ट बाहर आ गई। मैंने चेस्ट की एक्सरसाइज शुरू की, मेरे शोल्डर्स बनने लगे। तो मेरा ट्रेनर मुझे देखा, हंसा मुस्कुराया, बोलता तुझे एब्स बनाने हैं ना। थाइस की एक्सरसाइज कर। हाँ मैंने थाइस की एक्सरसाइज शुरू की, मुझे लगा एब्स बनेंगे। माहौल बन रहा था। अगले दिन फिर मेरा जिम ट्रेनर मेरे पास आया, बोलता अब मुझे पता लगा तेरे एब्स कैसे बनेंगे। मैंने कहा कैसे? उसने मुझे बेंच पे बिठाया, 5 किलो का डंबल दिया, बोलता ये वाली एक्सरसाइज कर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इससे पक्का एब्स बन जाएंगे? बोलता पक्का। मैंने कहा डंबल 5 किलो का ही यूज करना है? बोलता डंबल तो यूज ही नहीं करना। मैं फिर क्या यूज करना? बोलता माहौल। मैं क्या और कुछ? बोलता 15-15 के सेट दिन में 3 बार। बट मुझे लगता है ब्रेकअप हर्ट करता है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्रेकअप पता है कब हर्ट करता है? जब वो पहला होता है, क्योंकि पहला जो ब्रेकअप होता है ये होता है कच्ची उम्र में। तो जो कच्ची उम्र में ब्रेकअप होता है इसका रीजन ही बड़ा वाहियात होता है, जैसे मम्मी ने फोन देख लिया था, ब्रेकअप। पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ब्रेकअप। हाय हाय इतना लंबा पैर है तुम्हारा, ब्रेकअप। तो मेरा जो ब्रेकअप था उसका वही रीजन ये था कि स्कूल से लेके कॉलेज तक आते थे ना, बंदी मुझसे 1.5 फुट लंबी हो चुकी थी। मतलब हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ मैम, हम हग करते थे, मेरे शोल्डर्स ऊपर रहते थे, उसके नीचे रहते थे, मेरे चेस्ट तक पहुंचती थी और यू निकल के बोलती थी लव यू बेबी। मैंने बड़ी बार रोका, पागल है कुत्ते ने काटा है। हम फर्स्ट ईयर में पहुंचे, अब उसके शोल्डर्स ऊपर हो गए, अब मैं उसके यहां तक आने लगा और मैं नहीं निकल पाया। फिर क्योंकि उसको तो कुत्ते ने नहीं काटा था। मैं सही बता रहा हूं, हमारे रिलेशनशिप के आखिरी दिनों मैंने उसकी नाभि पे किस किया है। हां फिर मैंने भी हाँ फिर मैंने भी डिसाइड कर लिया इससे नीचे तो मैं भी नहीं जा रहा।
कौन ही घुटनों पे किस करेगा यार? गोविंद के दिमाग में घुटने नहीं थे। मैंने ध्यान से देखा, उसकी जीभ बाहर आई थी। बट हमारा जो ब्रेकअप हुआ था ना, वो फ्रेशर से एक दिन पहले हुआ था मैम, ठीक, फ्रेशर से एक दिन पहले। तो मुझे लगा एक ही दिन हुआ, फ्रेशर्स पे जाके पैचअप हो जाएगा, ठीक है। मैं अगले दिन उठा, बढ़िया तैयार हुआ, डीओडीओ मारा, और मैं ना जैसे ही कॉलेज गया, ऑडिटोरियम का दरवाजा खोला, अंदर पार्टी चल रही थी और गाना बज रहा था, एक ऊंचा लंबा कद। मैंने फोन निकाला, हेडफोन लगाया, गाना बजाया, मुझे तो तेरी लत लग गई। मैंने पूरा ऑडिटोरियम देखा, वो थी ही नहीं वहां पे। तो मुझे ना थोड़ा सा गुस्सा आया, मैंने उसकी रूममेट को फोन किया, मैं तुम्हारे पीजी आ रहा हूँ, टेल हर टू कम डाउन। और एक दिन हुआ मैम, ब्रेकअप हुए हुए, और उसे पता नहीं क्या हुआ, मैं उसके पीजी के नीचे खड़ा हूँ, शी केम आउट वेरी अग्रेसिवली। वो आई नीचे एकदम गुस्से में, बोलती, हे यू नो व्हाट, नेवर एवर कम हियर अगेन, हाँ, you know what, I have moved on, I have a boyfriend who is TDH. मैं मसाले? बोलती, टॉल डार्क, मैं HIV पॉजिटिव। तो मुझे बोलती, इफ माई बॉयफ्रेंड कम्स टू नो एनीथिंग अबाउट दिस ना, तो वो तुझे मार मार के और छोटा कर देगा। मेरा आंसू निकल गया भाई। मैम, मेरा आंसू निकला, मैं भागा हूं वहां से, और मुझे ना रास्ते मंदिर दिखाई दे, तो जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। तो मैं मंदिर में गया, और मुझे उस दिन एक और चीज रियलाइज हुई कि भगवान भी मेरी कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि भाई साहब घंटी तक हाथ ही नहीं पहुंचा। हाय सर, व्हाट्स योर नेम? हाय पराग। पराग, व्हाट्स योर हाइट? 5'10" इसे हाइट नहीं बोलते, इसे बोलते ऑर्गेजम। मेरी है 5'4" इसे बोलते हैं सार्केज्म। फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि भाई की हाइट इतनी अच्छी है, अगर इसको कभी पब्लिक वॉशरूम यूज करना पड़े तो इसकी हाइट इतनी अच्छी है, इसको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यूरिनल्स की हाइट कहाँ पे। तो भाई को टेंशन है, क्योंकि भाई की हाइट इतनी अच्छी है, ये जाएगा जट द मुकाबला 10 महीने की प्लान, वापिस आ जाएगा। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं जाता हूं तो मुझे देखना पड़ता है सबसे पहले कि राज मिस्त्री साहब ने मेरे लिए चैलेंज कहां फेंका। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा, कभी कभी तो यहां पे, हाँ, इन्हें लग रहा है मेरे छाती पे सामान लगाओ। मैं पैंट की जिप नहीं खोल रहा, मैं जैकेट की जिप उतार करूं। इन्हें लग रहा है मेरे पास टेस्टोस्टेरोन है, मेरे पास है टेस्टोस्टेरोन। और मैं सही बता रहा हूं, जब जोर से नया ना, मैं थूक के वापस आता हूं। वॉश विशन की हाइट पे दिया हुआ यार वो। तो मैं हॉस्टल में रहा हूं यार, और हॉस्टल में ना तुम देखना सिर्फ दो ही चीजें होती है, पहली शराब पीना, और दूसरी खत्म हो गई फिर पीता है। यही दो चीजें होती है हॉस्टल में। तो जब मैं हॉस्टल में था ना, तो हम एक गेम खेलते थे, सबसे बहादुर कौन। तो इसमें क्या था कि तुम्हें ना एक लाइफ की ऐसी स्टोरी बतानी, तुमने जिंदगी में फालतू में कभी किसी को क्यों मारा, और जिसकी स्टोरी सबसे वाहियात होगी उसे महीने की शराब फ्री। अब आगे मेरी बारी। तो मैंने बताया कि मैंने बचपन में एक लड़के को इसलिए मारा था क्योंकि उसने मेरे बाल छेड़ दिया था, और मैंने इतनी जोर से मारा था कि उसका पेशाब निकल गया था और वो फेंट हो गया था। तो उसका नाम भी बताना होता एंड में, तो मैंने बताया उसका नाम चंदू था। तो मेरा रूममेट था, मुझे देखता, चंदू शिमला वाला? मैंने कहा हाँ। बोलता, जो BCS में रहता है? मैं, तुझे कैसे पता? बोलता, दोस्त है मेरा, कल मिलने आ ही रहा है। तो मुझे लगा यार बचपन की बात है, कौन याद रखता, बचपन की बात है ना। तो मैंने शराब तो पी रखी थी, मैं सो गया, और मैं सुबह उठाऊं और मैं क्या देखता हूँ, क्योंकि उसने आना तो मेरे रूम पे था, मेरी आंखें खुली, वो सामने खड़ा हुआ, और ये हरामजादा बास्केटबॉल खेल खेल 6-3 का हो गया। मैंने उसे देखा और मैंने सोचा कि बदले नाम की चीज तो होती है दुनिया में, मैं ये लेगा बदला। बट टू माई सरप्राइज भाई बहुत अच्छे से मिला हो मेरे को, उसने हाथ मिलाया, एकदम से गले लगाया, मुझे खींचा, मेरे कान के पास आया और बोलता, सुन, किसी को ना बताया तूने मुझे मारा था और मेरा मूत निकल गया था।
मैं इस हाइट के साथ तू ये रिक्वेस्ट कर रहा है? भाई उस दिन मेरा भरोसा ही उड़ गया मैडम हाइट से। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ, एक होता ना लाइफ में कुछ एक मोमेंट से जब तुम्हें रियलाइज होता है कि कुछ चीजें मैटर ही नहीं करती, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि भाई हाइट मैटर ही नहीं करती है, व्हाट मैटर्स इज योर एटीट्यूड। और उस दिन से मेरी लाइफ चेंज हो गई, मुझे अपने बारे में ना अच्छा फील होने लग गया कि भगवान ने हाइट छोटी इसलिए दी कि कोई झुके बात नहीं करनी पड़े, यूं करेंगे। और देखो हाइट ही छोटी है, माहौल तो बना के रखा ना भाई ने। और देखो हाइट का क्या है, मैं 3 पैग लगाता हूं, मैं 6 फुट का हो जाता हूं। मैंने अभी रिसेंटली 7 लगाए थे, मैं नील आर्मस्ट्रांग से हाथ मिला के वापस आया हूं। तुम्हें लग रहा हो क्या बकचोदी, नील आर्मस्ट्रांग तो मर चुका है, मैं भी मरता मरता ही बचा था। तो अगले दिन मैं उठाऊ 6 फुट की हाइट के साथ, मैं कैंटीन में गया और मैंने देखा वहां पे चंदू बैठा हुआ। तो मैं चंदू के पास गया, चंदू ने मुझसे हाथ उठ मिला और बोलता, हे वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माय गर्लफ्रेंड स्नेहा, मेरी एक्स थी वो। अब मैंने उसे देखा, मतलब हमारा आई कॉन्टेक्ट चल रहा है और यहाँ पे चंदू देख रहा है सब, हमारा आई कॉन्टेक्ट चल रहा है और मेरे दिमाग में ना सारी बातें चल रही हैं जो हुई थी हमारे साथ। और यहाँ से चंदू ने मुझे पूछ लिया, बोलता, डू यू गाइज नो इच अदर? मैंने कहा काफ़ी प्रैक्टिकल साथ में किए हैं। तो मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली हुई हैं और मैं बोलना नहीं चाहता था, बट इट जस्ट केम आउट। तो मैंने बोला, सुन, ये मार मार के मुझे छोटा करेगा? मैंने थप्पड़ मारा था, मूत निकल गया था इसका। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। तो अगर तुमने वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और जो भी मेरे अपकमिंग वीडियोज हैं, अपकमिंग शोज हैं, उन सबकी डिटेल्स मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी और मेरे इंस्टाग्राम की डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। सो प्लीज डू गो फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी न्यू ईयर, चीयर्स, बाय बाय कर लो। जो भी मैं करूँ है टाइम टाइम मेरे पास, टाइम टाइम मेरे पास, टाइम टाइम मेरे पास, 4 चांद लगा दूँ ऐसी राइम मेरे पास, राइम मेरे पास, राइम राइम मेरे पास। जो भी मैं करूँ है टाइम टाइम मेरे पास, टाइम टाइम मेरे पास, राइम राइम मेरे पास।